तो स्टूडेंट्स, अब जो हमने आज पढ़ना है, आज क्या चीज है, आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, अब हमने कैनाल का ही करना है। कैनाल का हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, कैनाल इन फुल कटिंग करी थी। जौन सी आज हमने कैनाल पढ़नी है वो हमने पढ़नी है कैनाल इन फुल फिलिंग। फिलिंग कह लो या बैंकिंग कह लो, एक ही बात है। तो आज हमने कैनाल जौन सी है वो बैंकिंग में जो कैनाल है, कैनाल का सेक्शन फिलिंग में है, उसको हमने स्टडी करना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस करना है हमने। अब बैंकिंग के सेक्शन में कैसे क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकाला जाता है, उसके ऊपर हम जो है न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। इसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी आ जाएंगी, इसमें लीड, लिफ्ट ऐसी चीजें आएंगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपका फाइनल पेपर होता है तो उसमें फिलिंग का, कनाल का सेक्शन के चांस कम होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चन, पर फिर भी हमने करना है ये। इसके अंदर आपको लीड और लिफ्ट के बारे में पता लगेगा। जब हम उस पर पहुंचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा आज ही आपको कि लीड और लिफ्ट क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो पेपर बुक में क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो ध्यान से। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, हमने क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है फॉर द पोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी लिखा हो, कनाल लिखा हो, चैनल लिखा हो, कुछ मर्जी लिखा हो, सब एक ही चीज है। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है एक कोई किसी पोर्शन की जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी का पोर्शन है। अब इसमें क्वेश्चन में मैंशन है, जरूरी नहीं है कि ये मैंशन रहे कि ये फुली इन बैंकिंग है। बैंकिंग लिख लाओ या फिलिंग लिखा हो, एक ही बात है कि बैंकिंग के अंदर है ये वाला जो सा सेक्शन है फिलिंग में। अब उस कैनाल की जो सी फिलिंग में है उसके बेड की स्लोप दी है हमें, कितनी स्लोप दी है, 1 in 5000, मतलब 5000 मीटर के पीछे 1 मीटर का। अब इसके अंदर कोई राइजिंग ग्रेडियंट या डाउनवर्ड ग्रेडियंट नहीं दिया, इन्होंने ये एरो मार दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट, मतलब 5000 मीटर हॉरिजॉन्टल के पीछे 1 मीटर का फॉल है बेड के ऊपर। ठीक है, क्लियर है, इसमें एरो मार्क है। हाँ जी सर, तो अब जो कनाल है उसकी बेड की विड्थ चौड़ाई कितनी है, वो हमें गिवन है, कितनी है, 5 मीटर। फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड आपको कल भी समझाया था मैंने, फ्री बोर्ड होता है जो फुल सप्लाई डेप्थ होती है उससे हम लेते हैं, कहाँ तक, अप टू द टॉप ऑफ द साइड बैंक्स, कि मैक्सिमम उस लेवल तक पानी आ सकता है एक्सट्रीम केस में। तो फ्री बोर्ड हमें कितना गिवन है, 45 सेंटीमीटर, यूनिट का आपने खास ख्याल रखना। साइड स्लोप, अब जो साइड पे दो बैंक्स बनते हैं उनकी स्लोप, साइड स्लोप कितने की बने, 1.5:1, ये स्लोप जो सी यही है, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल होती है। फुल सप्लाई डेप्थ, कितना पानी हमने उसके अंदर भेजना है, कितना है वो फुल सप्लाई डेप्थ, कितनी है, 90 सेंटीमीटर, यूनिट देख लेना 0.9 मीटर। टॉप विड्थ ऑफ बोथ द बैंक्स, साइड पे जो दो बैंक्स बने हैं उसके ऊपर से टॉप में विड्थ कितनी गिवन है हमें, 2 मीटर गिवन। उसके बाद बोरो पिट्स, अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको जब आएगा न्यूमेरिकल में तब समझाऊंगा। बोरो पिट्स टू बी मेड लिविंग अ क्लियर डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम बैंक। अब देखो, जो जैसे सपोज कर लो कनाल की साइड पे, अब अगर ये आप डायग्राम ही देखो, सबको ये डायग्राम दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये हाँ जी स्ट्रेट सर, है, दिख रहा है। इसके अंदर एक ये बैंक है, एक ये बैंक है, क्लियर है, क्लियर हाँ जी है। सर, अब ये बैंक को बनाने के लिए हमने बाहर से अर्थ लेके आनी है, तो मतलब हमें बाहर से अर्थ कहीं पे बोरो पिट बना के एक्सकावेट करनी पड़ेगी। हमें हाँ जी इसको बनाने के लिए हमने बाहर से अर्थ लेके आनी है, सॉइल लेके आनी है, तो हमें कहीं से खोद के लानी पड़ेगी। तो उस खोदने वो हमने कहाँ से लानी है, बोरो पिट से लानी है, मतलब कि पिट खोदे जाएंगे जिससे कि जो अर्थ निकलेगी उससे हम ये बैंक बना सकें। तो बोरो पिट के हमें दिखाए यहाँ पे कुछ उसके बारे में, बोरो पिट्स आर टू बी मेड, वो जो जगह, जो खड्डे जहाँ से हमने अर्थ लानी है वो कहाँ पे बनने हैं, लिविंग ए क्लियर डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। बोरो पिट जो सी है, सपोज कर लो ये बोरो पिट है, दिख रहा है सबको, ये बोरो पिट है, ये बोरो पिट है, ये कितनी दूरी पे है, 5 मीटर फ्रॉम बैंक, बैंक से ये 5 मीटर की दूरी पे है बोरो पिट। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी जहां से हमने मिट्टी खोद के लानी है, वो जो हमारे बोरो पिट है वो हमारे बैंक्स, जहां पर हमने मिट्टी डालनी है, बैंक्स बनानी है, बैंक से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, क्लियर। अब हमें हाँ जी और डेप्थ ऑफ द बोरो पिट, जो हमने बोरो पिट बनाने हैं उनकी मैक्सिमम डेप्थ हमें कितनी गिवन है, मैक्सिमम नहीं, यही डेप्थ रखनी है 30 सेंटीमीटर। जो खड्डों में से, जिन खड्डों में से, बोरो पिट्स में से हमने अर्थ एक्सकावेट करके बैंक्स बनानी है, उनकी डेप्थ हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। बताइए बोरो पिट की डेप्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है।
यूनिट का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद अब ये गिवन है हमें आरडी, तीन सेक्शन गिवन है हमें, एक आरडी जो है 10,000 मीटर, फिर 11,000 मीटर और फिर 12,000 मीटर। 10,000 मीटर पे हमें ग्राउंड लेवल कितना गिवन है या नेचुरल सरफेस लेवल कितना गिवन है, 208 मीटर, और 11,000 पे कितना गिवन है, 208.3 मीटर, और 12,000 पे कितना गिवन है, 208.6 मीटर। क्लियर है ग्राउंड लेवल। अब जो हाँ हमने जी जो हमने कनाल बनानी है उसका प्रपोज्ड बेड लेवल, उसके बेड का लेवल जो कि हमने कनाल बनानी है, प्रपोज्ड लेवल कितना है, वो कितना है आरटी 10,000 पे कितना है, 210 मीटर का बेड का लेवल है कनाल का जो कि हमने बनानी है। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं गिवन। वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क निकालो, ये जो कनाल बनानी है बैंकिंग में, इसका कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क निकालो। रेट गिवन है एट द रेट ₹150 per 100 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक मीटर का रेट ₹150 गिवन है, किस चीज के लिए, फॉर 30 मीटर लीड। अब इसमें लीड नया कंसेप्ट आया लीड, अब बताता हूँ क्या होता है। 30 मीटर लीड के लिए ₹150 है पर 100 क्यूबिक मीटर, और 30 मीटर के बाद जितनी लीड है, फॉर एडिशनल 30 मीटर लीड या कुछ अगर बच गई एंड पार्ट देयर ऑफ, तो रेट क्या लगेगा, ₹100 per 100 क्यूबिक मीटर। तो थर्टी पहले 30 मीटर के लिए रेट है ₹150 100 क्यूबिक मीटर का, और उसके बाद 30-30 मीटर पे या एंड में कुछ बच गई तो उसका रेट है ₹100 per 100 क्यूबिक मीटर रेट है, एडिशनल 30 मीटर या पार्ट देयर ऑफ। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट देखो लीड क्या होती है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें लीड क्या होती है, लीड किसी को पता है लीड क्या होती है? हाँ जी नहीं सर। अब देखो अगर मैं इस कनाल को लेके चलते हैं, ये बैंक्स हैं, ये बैंक है, ये बैंक हाँ है, और इस बैंक को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लानी है, इस बोरो पिट से लानी है ना। हाँ जी। अब हाँ जब जी जब हम इस बोरो पिट से मिट्टी खोद के लाएंगे तो जो लेबर का बंदा है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये चलने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसको बोलते हैं लीड, हॉरिजॉन्टल लीड। एक हॉरिजॉन्टल लीड बेसिकली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। क्यों कैलकुलेट करते हैं कि ये जो टाइम है ये कंज्यूम हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, तो उसकी एडिशनल कॉस्ट लगाई जाती है, तो उसको हम लीड कैलकुलेट कर लेते हैं और लीड का रेट लगा के फिर हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होता है उसको हम लीड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सपोज कर लो अगर आप सपोज कर लो कोई आप बना रहे हो कुछ, सपोज कर लो कोई अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपके पास अब मिट्टी है नहीं, मिट्टी सब मिट्टी को छोड़ो परे, सपोज कर लो कोई और मटेरियल देख लो, किसी भी कारण से सपोज कर लो अगर आपका जो रॉ मटेरियल या आप सपोज कर लो रॉ मटेरियल आप ट्रांजिट मिक्सर ही लगा लो, अगर आपके जो ट्रांजिट मिक्सर है का प्लांट है जो वो सपोज कर लो कुछ दूरी पे है, तो वो दूरी उस ट्रांजिट मिक्सर को टीएम को उस प्लांट से आपकी साइट पे आने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो वो लीड में गिना जाता है। ठीक है, उसका भी तो खर्चा लगता है, उसका उसका ड्राइवर की कॉस्ट, उसका डीजल, उसका मेंटेनेंस, उसके टीएम की, वो खर्चे कहाँ से निकलते हैं, वो लीड के केस में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लीड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ये अगर कनाल का